आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AHAL शेयर के बारे में। आप देखेंगे यहाँ पे इसी शेयर के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे फंडामेंटली है और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न जो है इस स्टॉक में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी रहा है शुरू से ही। आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा मतलब कह सकते हो हमें डाउन बीच बीच में देखने को मिला, बट एक तेजी का माहौल लगातार इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है शुरू से। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं लाइन भी अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि लगातार इस स्टॉक में हमें तेजी का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है पहले से ही। आप यहाँ पे देख सकते हो और फिलहाल अभी के टाइम में सबसे हाई के आसपास मतलब इस वक्त हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, आप इतना कह सकते हो। और यहाँ पर लगातार तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ वजह क्या हो सकता है और जो भी है आज की इस वीडियो में इतना तेजी का वजह क्या हो सकता है हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या दोस्तों अगर हम बात करें तो इतना तेजी में आपको बाई करना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से या फिर नहीं, जो भी है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। AHAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आप यहाँ पे देख सकते हो, इसी स्टॉक के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। सबसे पहले बात की यहाँ पे ऑर्डर की, अगर हम बात करेंगे इसी स्टॉक के इसी कंपनी की दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऑर्डर का, तो यहाँ पे ऑर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक आप देखेंगे इंडिया गिव इनिशियल अप्रूवल टू डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स, आप देखेंगे वर्थ 2.23 लाख करोड़ इंक्लूडिंग आप देखेंगे। और यहाँ पे और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिला, जैसे कि ऑफ 97 तेजस लाइट कॉम्बैट आप देखेंगे एयरक्राफ्ट एंड 156% कॉम्बैट एयर हेलीकॉप्टर्स। एंड अगर हम बात करेंगे दिस कॉम्स एज ए मेजर मूव टू, आप देखेंगे जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम दोस्तों बात करें एक न्यूज़ का तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी है देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिल रहा है 156% कॉम्बैट यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो 97 तेजस लाइट कॉम्बैट आप देखेंगे एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर यहाँ पे जो भी है हमें यहाँ पे इंडिया गिव इनिशियल अप्रूवल, और जो भी यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिलहाल इन मेगा डिफेंस डील गवर्नमेंट प्रोसीड आप देखेंगे 97 तेजस फाइटर जेट्स 156% चॉपर्स एंड मोर आप देख सकते हो। और भी काफी सारे डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हो इसी जो भी ऑर्डर के बारे में हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड देख लेते हैं इसी स्टॉक से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो मार्केट कैप, तो अगर हम देखेंगे तो ये एक कह सकते हो अभी के टाइम में मार्केट कैप इसका काफी जबरदस्त है यहाँ पे, मतलब काफी हाई मार्केट कैप है, 1,70,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है। तो फिलहाल तो अगर हम बात करेंगे तो ये स्टॉक जो है यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट कैप वो 1,00,000 करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है अभी के टाइम में दोस्तों अगर हम बात करेंगे। स्कोर कार्ड की अगर हम बात करेंगे स्कोर कार्ड का, तो स्कोर कार्ड परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देखेंगे एवरेज अभी देखने को मिल रहा है टिकट टाइप के हिसाब से अगर हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों कंपनी को यहाँ पे जो ऑर्डर रिसीव हुआ है 4 दिन पहले की अगर हम बात करेंगे ये न्यूज हमें जो है देखने को मिल रहा है, फिलहाल ऑर्डर यहाँ पे जो रिसीव हुआ है। और देखेंगे यहाँ पे अक्टूबर 29 से लगातार इस स्टॉक में काफी जबरदस्त यहाँ पे माहौल हमें तेजी का यहाँ पे बना हुआ है। जो भी दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो कुछ दिन पहले यहाँ पे जो जैसे ही यहाँ पे जो ऑर्डर आया हुआ है, ऑर्डर के बाद यहाँ पे और भी काफी जबरदस्त तेजी हमें देखने में मिला है। पहले तो आप देखेंगे थोड़ा सा अप एंड डाउन तो देखने में मिल रहा था, बट लगातार तेजी जो है हमें देखने में मिल रहा है ऑर्डर के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑर्डर एक काफी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहा है स्टॉक के ऊपर। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तेजी का, और वही दोस्तों अगर हम बात करेंगे वैल्यूएशन का जो कि यहाँ पे हाई अभी देखने में मिल रहा है, फिलहाल ग्रोथ यहाँ पे एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हाई है, शोइंग गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। एंट्री पॉइंट यहाँ पे अभी बैड दिखने को मिल रहा है फिलहाल, रेड फ्लैग लो है, नो रेड फ्लैग फाउंड। स्टॉक ना ही एएसएम लिस्ट में है और ना ही जीएसएम लिस्ट में, स्टॉक जो नहीं है एएसएम जीएसएम लिस्ट में नहीं है, रेड फ्लैग नहीं है, अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें रिसेंट न्यूज का जो भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 डेज पहले का यहाँ पे हमें जो न्यूज जो देखने को मिल रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया ऑर्डर का इन मेगा डिफेंस डील, आप देखेंगे डील का जो ये 97 तेजस फाइटर जेट्स 156% चौपर्स एंड मोर आप देखेंगे 4 डेज पहले का ये हमें जो है न्यूज देखने में मिल रहा है फिलहाल। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फाइल्स फ्लाइज 5% अप एट 52-week high ऑन डिफेंस ऑर्डर, आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे ऑर्डर के बाद यहाँ पे काफी जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में हमें देखने में मिला है, जो कि आप यहाँ पे मैंने आपको पहले ही प्राइस चार्ट पे दिखा दिया है। पहले तो थोड़ा अप एंड डाउन ऐसे करके चल रहा था, बट अप ही नहीं चल रहा था, बट जो ऑर्डर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे न्यूज भी देखने में मिल रहा है फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फ्लाइज आप देखेंगे 5% अप एट 52-week high ऑन डिफेंस ऑर्डर। डिफेंस ऑर्डर के बाद यहाँ पे काफी जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिला है, और भी काफी सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिलहाल अगर हम बात करेंगे इसे स्टॉक्स से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वीडियो को पढ़ा लास्ट तक आप देखते रहिए। अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में तो जो इसका स्टॉक पी है 28.2 का है। ऑल दो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक पी यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो ऊपर है, बट फिर भी 25 के आसपास दोस्तों अगर हम बात करें तो अच्छा माना जाता है फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें। और 30.6% का यहाँ पे ROCE है और ROE 27.2% का है, तो कह सकते हो दोनों ही काफ़ी ज़बरदस्त इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। प्रमोटर के स्टेक की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे 71.6% का है, प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हो। तो प्रमोटर में जो होल्डिंग है काफ़ी ज़बरदस्त होल्डिंग है प्रमोटर का, 12.6% का फैज का होल्डिंग है और यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का दोनों का ही होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी के टाइम में। 9.72% का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 12.6% का होल्डिंग है। और अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टर्स के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो FIIs वाले का होल्डिंग पहले से जो लगातार काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हमें देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी बड़ा मतलब कि हमें यहाँ पे प्रॉस जो है देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो फॉरेन वालों का जो यहाँ पे जो यहाँ पे होल्डिंग है लगातार काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है। हर क्वार्टर में यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आता है दोस्तों अगर हम बात करें इस स्टॉक के अंदर से। और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग है ये डाउन हुआ है फिलहाल पहले के मुकाबले अगर हम बात करें, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो होल्डिंग है, फॉरेन वालों का होल्डिंग जो है काफ़ी मैटर करता है किसी भी स्टॉक में दोस्तों अगर हम बात करें, तो कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। हर क्वार्टर में यहाँ पे हमें जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है फिलहाल क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे जैसे कि कैश फ्लो अभी के टाइम में जो कैश फ्लो है पॉजिटिव है मार्च 2023 का आप देखेंगे और मार्च 2022 का, तो 2022 में हमें माइनस में था 4000 करोड़ से भी ऊपर का, बट यहाँ पे 2023 में 1300 करोड़ से भी ऊपर का हमें प्लस में देखने को मिला है 1370 करोड़ का, और 2022 में 4072 करोड़ का माइनस में था और 2023 में 1370 करोड़ का प्लस में फिलहाल कैश फ्लो की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट और यहाँ पे जो भी है सेल्स की अगर हम बात करेंगे। क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है इंक्रीज देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में भी और यहाँ पे सेल्स में भी और नेट प्रॉफिट में दोनों में ही। और अगर हम बात करेंगे अदर इनकम का तो ये भी इंक्रीज हुआ है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे CAGR और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना मतलब कि लार्ज कैप स्टॉक है फिर भी यहाँ पे CAGR उस हिसाब से अगर देखा जाए ऑलरेडी अगर देखेंगे और अदर एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो लार्ज कैप जितने भी स्टॉक है वहाँ पे हाई ग्रोथ उतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त हमें 82% का CAGR है 3 ईयर्स में, 1 ईयर का 83% का CAGR काफ़ी ज़बरदस्त CAGR कह सकते हो लार्ज कैप जो स्टॉक है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉज इस स्टॉक में जो है निकल गया था है, कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है, तो डेट की वजह से कह सकते हो फेलियर के चांसेस अभी के टाइम में ना के बराबर है बिकॉज कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है, डेट को कंपनी ने रिड्यूस किया है। और बाकी यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और भी काफ़ी सारे प्रॉज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तीन ही कौन से जो कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स में 3.51% का हमें यहाँ पे डाउन देखने को मिला है प्रमोटर का होल्डिंग में, मतलब डिक्रीज हुआ है। और अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में तो जो भी आज की इस वीडियो में यहीं कुछ अगर हम बात करेंगे तो लास्ट मेरा व्यू क्या है इस स्टॉक के ऊपर अगर हम बात करेंगे अभी के टाइम में क्या बाई करने का चांसेस बन रहा है या फिर नहीं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो फिलहाल कंपनी जो काम कर रहा है इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर मेंटेनेंस, तो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट जो भी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे है उनका मेंटेनेंस करता है और मैन्युफैक्चरर है आप देखेंगे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट जो भी यहाँ पे हैं। और बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या इसमें मतलब यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं उसको ये ऊपर भी हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इनके जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो भी इनके साइट्स पे देखने को मिल रहा है जो कि आप यहाँ पे देख सकेंगे और जो भी यहाँ पे न्यूज़ वगैरह है इनके साइट पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, इनका जो भी ग्रोथ है और जो भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है फिलहाल आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो जो भी है। फिलहाल अगर हम बात करेंगे चार्ट वाइज अगर हम यहाँ पे देखेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिला है आप देखेंगे 29 से लेकर और दिसंबर 3 तक आप देखेंगे अक्टूबर 29 से दिसंबर 3 तक हमें 34% का आप देख सकते हो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है फिलहाल। और अगर हम बात करेंगे अभी का यहाँ पे आप जो भी है यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल अगर हम इसी स्टॉक से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जब से यहाँ पे हमें जो न्यूज़ देखने को मिला है फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो 1 वीक की अगर हम बात करेंगे 1 वीक में हमें यहाँ पे 9% का रिटर्न जो है देखने को मिला है, तो कह सकते हो जब से यहाँ पे जो हमें
4 डेज पहले जो यहाँ पे देखने को मिला है, जो कह सकते हो ऑर्डर यहाँ पे डील जो हुआ है। डील के बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे थर्सडे के दिन के बाद, आप देखेंगे यहाँ पे काफी जबरदस्त तेजी रहा इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7% का तेजी यहाँ पे नवंबर 30 से 4 दिसंबर तक लगातार, और इतना लार्ज कैप स्टॉक में इतना बड़ा बड़ा तेजी, जो कह सकते हो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे जो पहले स्टॉक जो स्मॉल कैप होता है तो वहाँ पर दोस्तों तो स्मॉल कैप होता है तो वहाँ पर तेजी वो होता है उतना बड़ा बड़ा, बट ग्राउंड भी होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे काफी जबरदस्त तेजी, 1 मंथ में आपको 31% का रिटर्न जो है यहाँ पे देखने को मिला है, उससे भी ऊपर का। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो जो भी स्टॉक यहाँ पे जब भागना स्टार्ट करता है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे काफी जब तेजी रहता है किसी भी स्टॉक की, अगर हम बात करेंगे काफी ज्यादा जब तेजी रहता है कोई भी स्टॉक में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो एक डिस्काउंट पे बाई करना एक अच्छा बात होता है दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है काफी अच्छा, तो उस टाइम पे बाई करना एक अच्छा होता है। बिकॉज काफी सारे स्टॉक को अगर आप एग्जांपल में लोगे तो एक बड़ा सा तेजी के बाद एक गिरावट भी यहाँ पे होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी स्टॉक की अगर हम बात करेंगे, जब ये अपना हाई लगाया यहाँ पे 1387 रुपये का हाई लगाया, और फिर यहाँ पे गिर के कहाँ पे गया आप देखेंगे यहाँ पे 1169 रुपये पे गिर गया है। तो एक तेजी के बाद थोड़ा सा गिरावट हमें जो है देखने को मिलता है, बट यहाँ पर लगातार तेजी रहा, मतलब कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे करते हैं कि जब तेजी रहेगा तो बाई कर लेंगे और फिर गिरावट होगा तो फिर एग्जिट कर लेंगे, तो उनको कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। तो बाई कब करना है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब देखा जाए, और मुझे बाई करने के लिए अगर चांस मिले तो डिस्काउंट पे मैं सोचता हूँ बाई करने के लिए, उतना बड़ा मतलब कि थोड़ा सा अगर डिस्काउंट देखने को मिले और फंडामेंटली स्टॉक अच्छा हो। जैसे कि इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल। अगर हम बात करेंगे कंपनी अच्छा चीज़ों में काम कर रहा है अगर हम देखेंगे यहाँ पे, और बाकी मेरा ओपिनियन मैं आपको बता दिया हूँ जो भी मेरा क्या ओपिनियन है इस स्टॉक को लेकर, या फिर जो भी है जो भी स्टॉक भागता है या फिर कह सकते हो रॉकेट की तरह तेजी से स्टॉक में रहता है, उस स्टॉक को लेकर ओपिनियन मेरा क्या है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और एकदम से जिस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिलता है तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे करते हैं कि जब तेजी रहेगा तो उस वक्त बाई कर लेंगे और फिर जब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा तो पैनिक डर के और फिर निकल जाएंगे दोस्तों। अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो कि एक बड़ा सा तेजी के बाद थोड़ा सा गिरावट भी हमें देखने को मिलता है, काफ़ी बार ऐसा भी होता है, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि एकदम से तेजी ही तेजी रहे और लेकिन गिरावट तो होता है एक टाइम पे। अगर दोस्तों अगर बात भले ही ये 2500 से 3000 हो जाए या फिर 4000 हो जाए, बट एक गिरावट ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ परसेंट का गिरावट हो सकता है होगा आपको वो भी देखने को मिले। और बाकी दोस्तों डिस्काउंट पर बाई करना मेरा दोस्तों ओपिनियन रहता है किसी भी स्टॉक में। बाकी आपका ओपिनियन क्या है अपने स्टॉक का, मतलब जो भी कह सकते हो इन सभी स्टॉक को लेकर या फिर अपने स्टॉक को जो भी कह सकते हो, स्मॉल कैप स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक का लेकर आपका ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए कुछ इतना ही, जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा, बिकॉज वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है। आपके पास पास जो भी है किसने शेयर है इस स्टॉक के और आप क्या सोच रहे हैं, बाई करना सोच रहे हैं या फिर पहले से ही आप इसमें इंटर हो चुके हो, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिलहाल तो अभी काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है, अगर आपने पहले ही बाई कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट में होंगे। अभी बाई करने का सोच रहे हो तो फिर सोच समझ के जो भी करना है और अपने रिस्क पे, बिकॉज पैसा आपका है रिस्क भी आपका है। मेरा जो ओपिनियन था मैंने आपको बता दिया। चलिए मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में किस दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, जो भी करना है अपने रिस्क पे कीजिएगा। मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में किस दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है।